अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये हम सैंडविच बना रहे हैं अम्मी के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है, हमने भी अभी खाया है। बेटी बनाती है तो हमने सोचा कि हम अपने साथियों को भी सिखा दें। तो ये मैं आ रही हूँ। तो ये चिकन है, रोस्ट चिकन, जो आम बाजार से मिलती है, कोल से, वूलवर्थ से, कॉस्टको से जो रोस्ट चिकन होती है वो मिलती है। वो हमने ऊपर से उसकी सारी बोटी जो है वो उतारी हुई है और वो फ्रिज में रख छोड़ती है, फिर जिसने भी सैंडविच खाना हो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले बटर लगाया और ये जो है सैंडविचेस ये गर्म नहीं होते। फिर डाली कैरेट और ये कैरेट्स जो बड़ी मीठी हैं, बड़ा ही मज़ा आया। डाला और डाला क्यूकम्बर। तो ऐसा सैंडविच कभी भी आपको बाजार से नहीं मिलेगा, इतना मजेदार। और इसमें जो सॉस हम डालते हैं वो ये डालते हैं, सिर्फ ये, और बीटरूट भी जाएगी अभी। और ये है बीटरूट का कैन जो हम यूज करते हैं, देखिए। तो इसके जूसेस जो हैं वो बेटी ने गिरा दिए। तो ये हम डालते हैं प्याज, डाली बीटरूट। पता नहीं बच्चों के होंगे, इसका बड़ा खूबसूरत रंग जो है चढ़ता है बाकी की चीजों पे। तो ये बना बना के आप फ्रिज में रख लें। ये रहा लेटस और ये रहा सॉस। आती है चिकन, तो बहुत ज़्यादा चिकन की इसमें ज़रूरत होती भी नहीं है, हर बाइट में आए ज़रूर इस तरह का। हवा चल रही जी, रात भी बहुत चलती हुई जी का पानी। जी, और ये लीजिए, ये हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल तैयार। और ये क्या बेहतरीन सैंडविच जो है तैयार हुआ है, बहुत ही हेल्दी। वैसे हम इतने हेल्थ फ्रीक नहीं हैं, लेकिन जब इतना फ्रेश सब्जी मज़ेदार खाने को मिले तो बुरा क्या है कि चिकन भी है, सारे सैलड्स भी हैं, थोड़ा सा सॉस है, और बहुत हेल्दी, बहुत मॉइस्ट सैंडविच जो ये तैयार होता है। बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे और इस बहाने वो सारा कुछ खा भी लेंगे। तो ये तो था हमारा सैंडविच। खुदा करे कि ये आइडिया जो है ये आपको अच्छा लगे और आपके लिए कारामद साबित हो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।